तो दोस्तों रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस की लाख्स में दिया गया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1943 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 1726 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1996 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को, 3% के आसपास का, 2.5 से 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,167 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,717 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,615 करोड़ के आसपास आपको देखने को। कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिला, क्योंकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे साल दर साल आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे का एकमात्र रीजन है वो है कंपनी का अदर एक्सपेंस, क्योंकि पिछले साल कंपनी को 1014 करोड़ खर्च करने पड़े थे, अभी देखें तो मात्र 816 करोड़ कंपनी ने खर्च किया। तो इस वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से आपको कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं, हालांकि कंपनी लॉस में ही डील कर रही है आपको पता है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो 1136 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को पिछले क्वार्टर में। पिछले साल देखें तो 321 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी 397 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। और इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि आप बोलेंगे कि कंपनी कैसे घाटे में इतनी ज़्यादा आपको जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इसके पीछे रीजन भी है। रीजन हमेशा कंपनी का वही रहता है, कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इस क्वार्टर में फिर से देखें तो आपको एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को एक अच्छा खासा आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। टोटल एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी को 40 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कंपनी को ऑलमोस्ट 1036 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। जी हाँ, 1036 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ था, इस वजह से कंपनी आपको पिछले साल आपको मुनाफे में आपको देखने को मिले, जबकि इस क्वार्टर में आपको घाटे में देखने को मिले। क्योंकि ये सारी चीज़ हटा के देखें, एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स हटा के देखें, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 1168 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, पिछले साल 863 करोड़ के आसपास के लॉस में, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 421 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको 50% कम होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 60% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का लॉस आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस बेसिकली कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर ही रहता है। डायल्यूट देख लेते हैं तो 0.31 के आसपास पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल माइनस का 0.005, अभी देखें तो 0.046 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, और कंपनी का जो लॉस है वो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।